जी आपने सुबह उठना था 6 बजे। उठे ये अब आप 7:30 हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि 20 साल हो गए हैं, बंदा कोई हंडिया बनाना सीख लेता है, क्योंकि मेहमान आ ही जाते। इन्होंने कल हमारे घर आके वादे किए हुए थे कि जनाब हलीम बनेगा, जो है हलवा पूरियाँ बनेगी, और बनाया इन्होंने अंडा। तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं एक जगह पे श्वासवाड़ में। मैं आपने 6 बजे रेडी होना है, मैं 5:30 उठा हूँ। मुझे रात को मैसेज कर सकते हैं आप, सुकून से सोए, 10 बजे जाएंगे, पता नहीं 11 बजे जाएंगे। ये है जी राष्ट्रट अर्ली इन द मॉर्निंग, सैटरडे है आज, 8:15 हुए इस वक्त और आवाम सोई हुई है फिलहाल। जैसे काली भीड़ होती है, लोग काली जैकेट पहनते हैं। हाँ जी, वैसे आज हम दोनों जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट सीरीज की मुनासिबत से दोनों आज हम ड्रेस्ड हैं ब्लैक में। वकार साहब जो है जिस तरह ये सुस्त हैं, इस तरह इनकी गाड़ी भी सुस्त है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि अभी हम लोग जो है एक टावर देखने जाएंगे इधर ब्लैक फॉरेस्ट में। कोई 2 घंटे का टाइम रखा है हमने अपने लोगों के लिए, उसके बाद जो है नाश्ते वाश्ते का सीन होगा। ये आपसे बात बहुत अच्छी है। जब नाश्ता का नाम होता है, मैं सोचता हूँ कि पता नहीं हलवा पूरी आएगी, निहारी आएगी, या और क्या हो सकता है नाश्ते। ये डार्मस्टाड के शेफ आए हैं हमारे पास, राइट के लेफ्ट इधर। और हमारे घर वैसे एक रवायत है कि कोई मेहमान आए तो वो खाना खुद बनाता है। जी, खाना उसी नहीं पकाना है। हमारे घर आके तो वकार साहब जो हैं, इन्होंने कल अंडा पका के दिया हमें, ऑमलेट। कैसा था रात? अंडा वैसे ठीक था। एमर भी कहा जब खाना बनाता दोपहर में तो नींद आ जाती है उसके बाद। और ये कि आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मुझे रात को मैसेज किया कि भी आप जब मर्जी। यार आप ये 3-4 बार बता चुके हैं क्या, ये मतलब रिपीट मोड ना आपकी वजह से ना कभी मैं ना आया ना कभी नहीं, मैं आज सुबह नहीं आया। जी वगार भाई ने अभी हमें बताया कि कभी नहाए नहीं, और ये दुनिया में आते हुए इनको नहलाया गया था, और जब ये जाएंगे तो तब इनको नहलाया जाएगा, ब्रश से ये नहीं नहाएंगे। नहीं तो हमने अगर कॉफ़ी लेनी है तो हम इधर से भी ले सकते हैं। बिल्कुल। ये जी वकार साहब की कॉफ़ी ले रहे हैं हम इस वक्त। जी तो अभी हम जो है ये एक विलेज है रायशन तार, जहाँ पे हम लोग आए हैं। ये देखे ना, इन्होंने वो बनाए हुए हैं कि बंदा दुआ मांग रहा है या मगफरत मांग रहा है, और इधर ये फरिश्ता टाइप उन्होंने अपनी डिपिक्शन दी हुई है इसको। ये कोई किसी की मरने के ऊपर उन्होंने बनाई जगह जहाँ हम खड़े हैं। ये बेसिकली इन्होंने कोई, इनका कोई बड़ा पोप था इस इलाके का या इस रीजन का हो सकता है, उसकी मेम्बरेंस के लिए जो है ना ये जगह इन्होंने बनाई है। तो ये रास्ते में हम लोग जो है एक जगह पे रुके हैं, यहाँ से जो है श्वार्ट्ज़वाल्ड का जो ये व्यू है आपके सामने, कोशिश करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी ड्रोन शॉट वगैरह लेने का भी। ठंड वैसे कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ड्रेस अप नहीं है हम उस हिसाब से मौसम के लिहाज से। और एक बहुत ही प्यारा सीन है यहाँ पे, बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का पैनोरामिक व्यू है। हम डीप श्वार्ज़वाल्ड के अंदर हैं और यहाँ पे हम एक ड्रोन शॉट ले रहे हैं। मेरे साथ मेरे पायलट हैं अब्दुल्ला, मैविक प्रो प्लैटिनियम है लिखा हुआ है।